दी सन ने इस हवाले से ये खबर दी और ये दावा किया है, बल्कि इल्जाम आयद किया है कि ये यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान डाल दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं। उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर से एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया। हमारे अपने करतूत ऐसे हैं, मैं ये कहूंगी कि जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। यानी 9.5 अरब में से 90% हमें कर्जा मिला है, तो हम और हमने जाहिर उस पर यानी कोई ना कोई सूद तो होगा ना, कोई खैराती अदारे तो नहीं है ये सारे, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली और पैसे आ गए डॉलरों की बारी। ये किस तरह, ये मतलब इंतहाई संजीदा हमारे अकाबरीन हैं, यानी ये कैसे, मैं इसको समझ, मतलब मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त, जिस पर बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जो नेशनल सिक्योरिटी की जो है स्ट्रेटजी है उसमें तो लिखा हुआ है ना कनेक्टिंग विद द नेबर्स, ठीक है इंडिया ने वो भी नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, ना कनेक्ट करें, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन तो करें। कभी डोनेशन ले आते हैं जैसे जेनेवा के अंदर, ये तो कर्ज है सारा, बिल्कुल इसमें से एक ठीक नहीं आ रहा भी। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है उसने ये कहा कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथरो एयरपोर्ट पर मौजूद, इस तरह से ये हम डाउनफॉल का शिकार होते रहे। आई थिंक सो कि पाकिस्तान मैप ये दावा किया है, बल्कि इल्जाम आयद किया है कि ये यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और फिर गैर मुल्की खबर सा इदारे बरतानवी इदारे को उसने ये बताया कि इंक्वायरी में इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया ये पूरा वाकया नाकिस हैंडलिंग का नतीजा था। पुलिस का ये बताना है कि अवाम को इससे कोई खतरा नहीं था, यूरेनियम से आलूदा धात का टुकड़ा इसके काम लगे और इसका भारत को फायदा हो। पाकिस्तान से एक टुकड़ा मिला है, उसको बनाकर स्कैंडलाइज किया गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया है। तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर द सन के मुताबिक उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर से एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया, मगर दिसन का ये भी कहना है कि इस शिपमेंट की मंजिल क्या है ये फिलहाल वाजे नहीं है और ना ही अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है उसने ये कहा है कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद बॉर्डर फोर्स के एहलकारों ने उस वक्त दावा किया जब बरतानवी एयरपोर्ट पर आने वाले एक पैकेज के अंदर मामूल की स्क्रीनिंग के दौरान आलूदा मवाद की निशानदेही हुई। जैसा कि अवाम हमसे तवक्को करती है, ये मेट्रोपॉलिटन का ये पुलिस का कहना है कि हम हर मुमकिन खतूत पर इस मामले की इंक्वायरी जारी रखेंगे। लेकिन द सन की जो ये रिपोर्ट है नाज़रीन, पाकिस्तान को जिस तरह से उसने निशाना बनाया है, और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में कोई इंडिया के हवाले से बात भी करता है कि नहीं करता है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे किस तरह की चीजें, यहाँ के हम जो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस से जानता है और इसके अलावा जो है वो नहीं जानता। पाकिस्तान क्या इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस से जानता है, इसके अलावा नहीं जानता, कोई और चीज नहीं है जो कि जो करने की है, देखने की है, सोचने की है। ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है मेरे लिए, तो इस क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू है भाई कि पाकिस्तान जो है वो क्यों करके पाकिस्तान के अंदर इंडिया के हवाले से बात नहीं हो रही। आप देखें ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है समिट है, ये 12-13 जनवरी को एक पूरे इसके सेशन होने थे, हेड्स ऑफ स्टेट्स ने आना था, नियर वजीर आजम जो है उन्होंने भी इसको हेड किया है, ठीक है। उन्होंने इंडिया अपना पूरा जिन्हों पंजाबी के अंदर पार बहाना चाहता है, पूरे अपने पट्टे अपना जो है ना वो दिखाना चाहता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है। सो दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स टू डू, इंडिया इज शोकेसिंग इट्स पावर। और आपको पता ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इसको दिखा के तो वो इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं और वो उनको पता है कि जो इलेक्शन है वो हम तभी जीत सकते हैं अगर हमें ये अपनी प्रेजेंस दिखानी है, प्रेजेंस कहाँ दिखानी है, अपनी आवाम में कि जी देखें हम जो है वो हम इंडिया को पिछले 10 सालों में उठा के कहाँ से कहाँ ले गए, तो आए आप बीजेपी का साथ दें, आए आके बीजेपी का साथ दें, ठीक है जी। और जैसे आप ये सिंपल सी बात है, आए आके बीजेपी का साथ दें, आए बीजेपी के साथ चलें, हम इंडिया को जो है वो इंडिया को एज ए ब्रांड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं दुनिया में,
ठीक है, इंटरनली वहां पे क्या आ रहा है, मोहन भगवत क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट। अगर जो रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर मैं प्रॉपर सेपरेट बात करूंगा, लेकिन ये जो चीज है कि जी पाकिस्तान को अंडरस्टैंडिंग ही ना होना, पाकिस्तान को अंडरस्टैंडिंग ही ना होना कि राइट साइड पे जो पाकिस्तान जो भारत हमारा नेबर है वहां पे क्या हो रहा है। और भाई हमारा मीडिया क्या खामोश है, कोई बंदा रिपोर्टिंग भी नहीं करता, कभी किसी अखबार में खबर भी नहीं आई। दैट डजंट मीन कि आप देखिए, आप इस तरह अपने को ब्लैंकेट नहीं रख सकते। आप कम से कम एडिटोरियल आने चाहिए, पता तो चल रहे, क्रिटिसाइज करें और बताएं कि इंडिया किस तरह वो पाकिस्तान को इज लिविंग इट सेट आउट, वो क्या कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है।